Hi friends, this is KD Shivam. We are continuing with our maxims of equity. Aaj ka hamara maxim hai, where there is equal equities, the law shall prevail. Okay, I hope hamare jo previous maxims discuss kiye the, wo aapne dekhe. Agar aapne nahi dekha, to maine link diya hua hai description mein aur playlist bhi diya hua hai, to you can just click and see the previous discussion. Maxims, whichever we have done. Okay, chalo. So today our maxim is where there is equal equities, the law shall prevail. Barabar. Agar suppose ek example le lete hain. A apna ghar bechna chahta hai. Barabar. A ne B se kaha ki mujhe ghar bechna hai. To B ne kaha, theek hai, main khareed leta hu. To A aur B ne fix kiya ki A will sell his house to B. Barabar. Ye उसका एग्रीमेंट हुआ बराबर, लेकिन ओरल। अब फिर उसके बाद थोड़े दिनों के बाद ए को थोड़ा अच्छा प्राइस मिला, तो ए ने सी को बेच दिया। अब सी नहीं जानता था कि बी के साथ इस तरह ओरल एग्रीमेंट हुआ है, और सी ने क्या किया, खरीद लिया और डॉक्यूमेंटेशन भी करवा ली। तो अब बी एंड सी बोथ आर कैरिंग इक्वल इक्विटीज, राइट। बट एज वी नो दैट इक्विटी विल नेवर सरपास द लॉ, राइट। वो कभी भी लॉ से आगे जाने की कोशिश नहीं करेगा। तो यहां उन्होंने ये देखा कि सी लीगल राइट भी रखता है, इक्विटी के साथ साथ लीगल राइट भी रखता है, तो देयर फॉर द लॉ शैल प्रिवेल। तो ये प्रॉपर्टी इट विल गो टू द सी एंड द इक्विटेबल राइट इज हैविंग विद बी ओनली, दैट्स ऑल, राइट। तो लॉ वही प्रिवेल करता है। लॉ व्हेन देयर आर टू इक्वल, व्हेन देयर आर टू इक्वल इक्विटीज, देन द लॉ शैल प्रिवेल। मतलब द पर्सन हैविंग विद लीगल इक्विटी विल प्रिवेल। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। क्योंकि अगर आपको कोई भी मैक्सिम का आइडिया आ जाए तो आप कभी भी अच्छी तरह लिख सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये मैक्सिम लिखने का तरीका है स्पेशली एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए, राइट। मीनिंग के बाद उसका एक्सप्लेनेशन दो, एक्सप्लेनेशन के बाद अगर आप इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स जानते हो तो एग्जांपल्स दीजिए, फिर उसके बाद केस लॉ दीजिए, फिर उसके बाद वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है एप्लीकेशंस बताइए, एप्लीकेशंस के बाद आप दीजिए हाउ इट वेयर इट इज़ रिकग्नाइज इन इंडिया। अगर आपके कंट्री है तो आपकी कंट्री में किस सेक्शंस में, लॉ में, किस आर्टिकल्स में वो अप्लाई होता है, तो दैट यू हैव टू मेंशन। और इस तरह आप अपना कंक्लूड कर सकते हैं, तो दिस वे यू कैन स्कोर फुल मार्क्स। ओके, बड़े लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रिसाइसली पॉइंट वाइज और परफेक्ट लिखेंगे सही टाइटल के नीचे, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस मैक्सिम। मीनिंग, व्हेन द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ टू और मोर पार्टीज आर सपोर्टेड बाय इक्विटेबल प्लेस ऑफ इक्वल वैल्यू, equity being unable to prefer one to the other would allow the conflicting equities to cancel out and leave law to take its course, right? तो जब equal value वाला होता है तो equities cancel out करता है और law पे छोड़ देता है। Where one thing follows two claimants on the base of equal equity, equity shall follow the law and legal right shall be preceded. बराबर, equity will always follow law and legal right shall be प्रेसिडेंट, उसको पहला इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। लॉ प्रोवाइड्स रिलीफ टू दोज हु क्लेम्स ऑन द बेस ऑफ लीगल राइट। अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिम, इफ लीगल राइट इज इक्वल टू इक्विटेबल राइट्स, इफ लीगल राइट इज इक्वल टू इक्विटेबल राइट्स, लीगल राइट शैल रिमेन देयर, राइट। लीगल राइट विल रिमेन देयर। इट मींस दैट द पर्सन बियरिंग लीगल राइट शैल प्रीसीड एंड हाउएवर इक्विटी इज अंडर लॉ, एज वी नो दैट, राइट। एक्सप्लेनेशन, when two parties, that is both the parties of the suit, are equally entitled to receive the help of the equity court, because equitable interest of both of them are identical. मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल समझाया था, उसी बेस पे है। On such an occasion, the party which is having legal interest in addition to the equitable interest will achieve victory. हमारे एग्जाम्पल में सी को विक्ट्री मिला था, बिकॉज ही वॉज हैविंग इक्विटेबल इंटरेस्ट ऑल्सो। इन सच केसेस इक्विटी विल नॉट अंडरटेक द सेम मैटर
for disposal, but as per the common law, in the court of law, the said dispute will be disposed of, and a person in whose favor in the law is will win. Right? जैसे बताया, जिस person के साथ law साथ में है, जिस person के साथ equitable right के साथ legal right साथ में है, वही victory होगा, वही जीतेगा. Right? So this is how it is explained. Now next, let us take one example. Already मैंने ये example आपको समझा दिया है. वही है, A sells to C land over which B has a right of way. C takes the land subject to B's right. Although he was ignorant of the right at the time of purchase, but the rule is different as regards equitable rights. It will establish rule that a purchase for valuable consideration without notice of prior equitable right, obtaining the legal estate at the time of his purchase, is entitled to priority in equity as well as at law. In such a case, equity follows the law. The purchaser's conscience not being in any way was affected by the equity. Right? Agar yahan C ignorance tha, to okay. Agar C janbujh ke karta hai, usse pata hai ki already yahan pe B ke saath ye ho gaya hai, tay ho gaya hai ya tha, to alag baat hai. Ye fraud wala case ho jayega. Ya to phir ye kuch framing wala case ho jayega. Right? Let us take one example of case. K versus K. A trustee purchased land with trust money and conveyed the same to his brother. बराबर, अब ये जो trustee जो होता है ना, वो actually क्या है कि एक father ने एक trust बनाया होता है अपने बच्चों को property संभालने के लिए. उसमें से जो trustee होता है वो एक मामा, उनके जो बच्चों का मामा ही होता है, उसने क्या किया कि ये जो trust money है उसको अपने brother को convey किया. The brother then mortgaged to the land to A. अब brother ने क्या किया, उसने आगे mortgage कर दिया. By way of legal mortgage, by way of legally उन्होंने mortgage किया. अब then to B by equitable mortgage. देखो ये दोनों में बहुत फर्क है. Legal mortgage में documentation हो जाता है, लेकिन equitable mortgage में या तो agreement wise होता है, promise wise हो सकता है. Right? The court held that A's legal mortgage prevails. Then the beneficiary's equitable right prevails over the B's equitable mortgage. Second, और एक केस ले लेते हैं. राइट, यहां था पिल्चर वर्सेस रॉलिंस. राइट, सच अ परचेसर्स प्ली ऑफ परचेस फॉर वैल्यूएबल कंसीडरेशन विदाउट नोटिस इज एन एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड अनएंसरेबल डिफेंस एंड एन अनएंसरेबल प्ली टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिस कोर्ट. सच अ परचेसर व्हेन ही हैज वंस पुट इन प्ली मे बी इंटरोगेटेड एंड टेस्टेड टू एक्सटेंड एज टू द वैल्यूएबल कंसीडरेशन which he given in order to show bona fide or mala fide. Right? उसका intention कैसा था वो देखते हैं. Purchaser ने सही में वो ignorant था, सही में उसे purchase करना था कि फिर उसका कुछ mind में और चल रहा था, मतलब mala fide. Right? Of his purchase. Bona fide मतलब good intention, mala fide मतलब bad intention. And also the presence of the absence of notice. But when once he has gone through that ordeal and has satisfied the terms of the plea of purchase for valuable consideration without notice, then this court has no jurisdiction whatever to do anything more than allow him to depart in possession of that legal estate. Agar wo purchaser ye pass ho jata hai, clear kar leta hai, to is consideration ko wo accept kar lete hain, without notice wale consideration ko, aur use possession de dete hain. Right? This is how it happens. Next, applications. ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है. फर्स्ट, डिस्प्यूट इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. व्हेन द बोथ द कंटेस्टेंट्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन हेल्प फ्रॉम कोर्ट्स ऑफ इक्विटी द पार्टी हु हैज लॉ इन हिज फेवर विल सक्सीड. राइट, ऑलरेडी हमने ये देखा हुआ है. नेक्स्ट, इट मे बी नोटेड दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन मार्शलिंग एंड सेट ऑफ आर बेस्ड ऑन दिस मैक्सिम. एंड दिस थर्ड वन, इन कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ लीगल एंड इक्विटेबल राइट दिस मैक्सिम इज यूज्ड where equitable and legal rights conflict and precedence go to legal right. सही बात है ना, दोनों equal equitable है, लेकिन जहां legal rights साथ में है वहां ये जाएगा या तो फिर उनको भिन्न होगा. Equities must be equal, by there should be conflict of legal and equitable right. It does not apply where priority of time in case of equity is determined
फैक्टर इन रिलीफ, यहाँ पे प्रायोरिटी ऑफ टाइम कंसिडर वाले जहाँ हो वहाँ पे ये अप्लाई, ये मैक्सिमम अप्लाई नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी केसेस, सेक्शन 78 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज बेस्ड ऑन दिस मैक्सिम। इट इनेक्स दैट वेयर दो द फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और ग्रॉस निगलेक्ट ऑफ ए प्रायर मॉर्गेजी, अनदर पर्सन हैज बीन इंड्यूस्ड टू एडवांस मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, द प्रायर मॉर्गेजी शेल बी पोस्टपोन टू द सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी। बरोबर, ये जो पहला वाला जो मॉर्गेज है वी शेल बी पोस्टपोन टू द नेक्स्ट मॉर्गेजी। तो सेक्शन 53 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन दिस मैक्सिम। इट इनेक्स दैट एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विद द इंटेंट टू डिफीट और डिले, बरोबर मैलाफाइड इंटेंशन वाला, डिफीट और डिले द क्रेडिटर्स ऑफ द ट्रांसफरर shall be voidable at the option of any creditors so defeated or delayed। बरोबर, जिनके साथ ये हुआ है उनके तरफ से या वो अगर प्ली अप्लाई करते हैं, प्ली करते हैं तो इट इज वॉइडेबल। लिमिटेशंस, इक्वल इक्विटीज विदाउट लीगल राइट, तो यहाँ ये मैक्सिम अप्लाई नहीं करता। बरोबर, तो वेयर देर आर इक्वल इक्विटीज बट लीगल राइट इज नॉट देर, दिस मैक्सिम इज नॉट अप्लाइड। इक्विटेबल राइट कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लीगल राइट, इफ डन विल बी कंसीडर्ड एज ब्रीच ऑफ ड्यूटी, सही, बिकॉज इक्विटी विल नेवर सरपास द लॉ। रिकॉग्निशन, इंडिया में ये कहां कहां रिकॉग्नाइज होता है। सेक्शन 35, 81, 108, 48, 78 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, जैसे ऑलरेडी हमने एप्लीकेशंस में देखा था, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शंस 35 सेक्शन में, सेक्शन 48 प्रायोरिटी ऑफ द राइट क्रिएटेड बाय ट्रांसफर, सेक्शन 78 टू पोस्टपोन प्रायर मॉर्गेज, सेक्शन 81 मार्शलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज, सेक्शन 108 राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द लेसर एंड लेसी, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स यू अंडरस्टूड दिस मैक्सिम, राइट। ये आप दो से तीन बार देखो, वॉच करो, अगर आपको कहीं कुछ नहीं समझ पड़ा, अगर आपको कुछ क्वेरी है या कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ राइट टू मी, विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक और शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, अगर आपने वो प्रेस नहीं किया है तभी कर दीजिए, सो दैट हमारा नेक्स्ट मैक्सिम का आपको इंटीमेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस।